मेरे अर्जे के गयूर ताजर भैयो, तकरीरें होती रहेंगी, मैं लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करता। एक बात कहता हूँ, इस दिल के अंदर जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। मैं तकरीर से ट्रक की बत्ती के पीछे किसी को नहीं लगाऊंगा, करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, इंशाल्लाह। मेरे अर्जे के गयूर ताजर भैयो, मैं बहुत छोटी उम्र में इस अर्जा में आया, इस अर्जा के ताजरा ने, इस अर्जा के बाजार ने मुझे वो इज्जत दी, मेरी कफालत की, मेरे खानदान की कफालत की, और मुझे आज उस इज्जत से नवाजा। तो मैं अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तुझसे कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस अर्जा की आबियारी के लिए अपना हिस्सा डाल सकूं। मैं इसकी आबियारी के लिए मैं अगर झाड़ू उठाकर इसको साफ करना पड़ा मैं करूंगा। मेरे पास एक हुनरमंद टीम है, पढ़ी लिखी साफ शफाफ टीम है, मैं उनके साथ मिलकर मैं इस अर्जे की आबियारी के लिए, आम ताजर के लिए मैं वो काम करूंगा। जिंदा रहने के लिए 100 साल नहीं, जिंदा रहने के लिए एक काम कर जाओ, 100 साल तुम दुनिया तुम्हें याद करे। मेरे गयूर ताजर भैया, इस पैनल की बुनियाद जब रखी गई तो हम काले कपड़ों वालों की वजह से रखी गई, हमें ये कहा गया ये काले कपड़े वाले हैं, इनके अंदर ग्रीस तेल लगा हुआ है, ये क्या कर सकते हैं। मेरे भैया, मैं अर्जा बाजार के ताजरों का सदर मुंतखब हुआ हूँ, मुझे जिसने वोट दिया उसका भी शुक्रिया, मुझे जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, मैं उसका भी खातिम हूँ, जिसने नहीं दिया मैं उसका भी खातिम हूँ जिसने मुझे वोट दिया। अलबत्ता एक बात हुई, कुछ ऐसे बाहर से लाबियान ना उनका जहाँ ताजरों से तल्लक है ना वोटों से तल्लक है, उन्होंने पैसों की भी डिमांड की, लेकिन उनके लिए सजा यही है कि मैं जीत गया हूँ, यही सजा काफी है कि मैं अल्लाह के फजल से जीत गया हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। आज मैं ये ऐलान करता हूँ, मैं अर्जे की लेबर यूनियन को बहाल करूंगा, तमाम मजदूरों को, तमाम दुकानदार के जो मुलाजम है उनको इकट्ठा करूंगा, उनके इलेक्शन कराऊंगा, उनका एक नुमाइंदा अपनी कमेटी में रखूंगा। घर से मैं शराब दुकान पे जाऊंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारा लेना।